मौजूद हैं जयपुर के शहीद स्मारक। जयपुर का शहीद स्मारक पिछले 40 दिनों से कोविड स्वास्थ्य सहायक धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो इतनी तपती धूप के अंदर, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार की अधर्मिता। हम बात करेंगे यहाँ पर, पूरे प्रदेश भर से कोविड स्वास्थ्य सहायक डटे हुए हैं लगभग 40 दिन सरकार, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, कुछ धरातल पर करती है, कुछ हवाबाजी करती है। हम यहाँ जो इनका प्रतिनिधि मंडल बैठा है, बात करेंगे क्या कुछ आगे की जो है योजना है। कशिश जी यहाँ पर हैं, कशिश जी से हम जानना चाहेंगे क्या आगे की योजना रखी गई है, क्योंकि 40 दिन लगभग 40 दिन आज हो गए हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सर क्या योजना है, आखिर क्यों सरकार नहीं सुन रही? लगातार जैसे मीडिया के माध्यम से डेली हमारा कवरेज हो रहा है, और आप सभी को पता है कि लगभग हम लोगों को आज 40वां दिन है, लेकिन सरकार चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। और 12 तारीख को हमने महापंचायत का आयोजन किया है, और महापंचायत के बाद में हम निर्णय लेंगे। और आने वाली हमारी रणनीति ये है कि जो उदयपुर में शिविर कांग्रेस की तरफ से जो शिविर रखा गया है, उसके अंदर यहाँ पर भारी तादाद से संख्या उदयपुर की ओर कूच करेगी। और सरकार साहब के मीडिया के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी रहती है कांग्रेस सरकार की कि अभी तक हम जो भोले वाले नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं, सी एच ए यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार 40 दिन से, अभी तक उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो सरकार से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, और मीडिया के माध्यम से सबसे बड़ा एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सी एच ए साथी 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक लगे हुए थे, उनके साथ ये अन्याय क्यों किया? पहली बात, अन्याय किया, इतनों को बेरोजगार कर दिया। हम ही साथियों में से सीएचए में से कुछ चिरंजीवी मित्र आज भी नौकरी कर रहे हैं, तो वो जो चिरंजीवी मित्र है वो भी हमारे साथी है। आधों को आपने नौकरी पर लगा रखा और आधों को आपने बेरोजगार कर दिया। तो सरकार पहले तो इस बात का जवाब दे कि ये अन्याय और ये तोड़ने की रणनीति हम लोगों के लिए क्यों अपनाए। दूसरी बात, वैक्सीनेशन, घर घर सर्वे, चिरंजीवी योजना इत्यादि कई काम हम लोगों ने किए, और इतने न्यूनतम वेतन पे 7,900 रुपये हम लोगों ने काम किए, उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सरकार से यही निवेदन है, संवेदनशील मुख्यमंत्री से, अपनी संवेदनशीलता का परिचय जल्दी दें। हमारे को उग्र होने से पहले जो तोहफा हम लेना चाहते हैं नर्सेज दिवस पर, उससे पहले ही हमें उस तोहफे का जल्दी से जल्दी ग्रहण करें। तो सर आखिरकार 12 तारीख को आपने महापंचायत रखी है, उसमें कौन कौन आने वाला है उस महापंचायत में? महापंचायत के अंदर जितने भी लोग, ऐसे लोग जिनको हमने वैक्सीनेट कराए, हमने उनसे भी कराए, और आज मैं खुद जाकर के सीएम साहब के बंगले पर जाकर के उनको आमंत्रण पत्र भी देकर के आऊँगा। साथ ही जितने भी पूर्व पार्षद है, वर्तमान पार्षद है, छात्र संघ अध्यक्ष है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जो भी पक्ष में, जो भी हमारे पक्ष में, हम सीएचए के सम्मान में जो भी शहीद स्मारक मैदान पर आना चाहता है उसका स्वागत है। यहाँ पर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर जनसैलाब 12 तारीख को नरसिंह दिवस पर उमड़ेगा। आगामी रणनीति 12 तारीख को बनाई जाएगी कि आगे हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है वो हमारी बातों को सुन ही नहीं रहे। लगातार डेलीगेशन हम लोग वहाँ पर कई बार जाकर अधिकारियों से बातचीत करके आए, कई बार हमने गहलोत जी से भी बात करने के प्रयास करे। लगातार जब से हम धरने पर बैठे, हमने कई बार गहलोत जी को खुद को भी ज्ञापन दे दिया, चिकित्सा मंत्री जी को भी ज्ञापन दे दिया, लेकिन आश्वासन के अलावा हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन हम आश्वासन के बिना पर हम धरना स्थल से छोड़ करके नहीं जाएंगे जब तक हमारा जो लेटर है वो जारी नहीं हो जाता, क्योंकि सरकार लगातार ये प्रेशर बना रही है कि आश्वासन के बेस पे हम लोगों को उठाने के प्रयासरत है, लेकिन आश्वासन के बिना पर हम लोग हमारा धरना नहीं छोड़ेंगे जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आ जाता, क्योंकि 28,000 परिवार का सवाल है। सरकार हमेशा आश्वासन देती आ रही है, और हमेशा यही होता है जब भी धरना लगता है आश्वासन मिलता है, लेकिन आश्वासन के बिना पर आखिरकार ऐसी क्या बात अड़ रही है, सरकार मानने को तैयार नहीं? सरकार शायद हटकर के बैठी है, उनको ये लगता है कि कोविड स्वास्थ्य सहायक के धैर्य की परीक्षा ले रही है, लेकिन जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है बहुत मजबूत है। भले हमारा, हम बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम डट करके बैठे हैं, बैठे थे और बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता। तो आपके मीडिया के चैनल से मैं यही कहना चाहता हूं कि गहलोत सरकार जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, लगातार वैसे भी आप सुन पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी चुप्पी तोड़ें, 28,000 परिवार का भला करें। आने वाले समय में आपकी जो 2023 की जो आपकी चुनाव है, उसमें 28,000 परिवार के साथ साथ हमारे जितने भी नज़दीकी करीबी, हमारे जितने भी नेबर हैं, जितनी हमसे कोशिश हो सकेगी, जो हमने कोविड में काम करा उसको देखते हुए हम अपने पूरे प्रयासरत रहेंगे, 2023 के अंदर आपको वापस से मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप देख सकते हो इनका एक ही कहना है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। यहाँ पर बहनें भी आई हुई हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ से आई हुई हैं, क्या है? दीदी कहाँ से आए हो? मैं बांसवाड़ा से आई हूँ। कितने वक्त हो गए आपको यहाँ? मेरे को यहाँ पूरे 38 दिन हो गए।
लेकिन जब सरकार की बारी आई तो आपको निकाल दिया जाता है, आखिर क्यों? लेकिन जिस कोरोना काल के दौरान आपने, जब लोग मर रहे, जान जा रही थी, आपने जान बचाने का काम किया, लेकिन जब सरकार की बारी आई तो आपको निकाल दिया, ऐसा क्यों? उनको जब है ना हमसे काम लेना था, तब उनको हमसे काम करवाया कम तनख्वाह देके भी, और है ना अब है ना उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, वैक्सीनेशन खत्म हो गया, यहाँ तक कि कोरोना वापस आ गया है तो भी सरकार नहीं जाग रही है। 40 दिन हो गए हम बैठे हैं इतनी धूप में। आप कहाँ से आए? मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, मारवाड़ से हूँ, नेहा नाम है मेरा। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को 40 दिन हो गए यहाँ पर। 40 दिन हो गए आपको बरकरार, तो आगे की क्या योजना रहेगी आपकी? योजना यही है कि जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाए तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, और हमें नौकरी चाहिए, किसी भी हाल में नौकरी चाहिए बस। तो आप देख सकते हो इनका एक ही कहना है कि कहीं ना कहीं कि यदि इनको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी वापस नहीं दिया जाता है, तो ये यहाँ से हटने वाले नहीं है। एरियो न्यूज़ के लिए मनीष चौधरी की रिपोर्ट, जयपुर।